गिफ्ट गिफ्ट भाभी कितने रुपए का बुलाती हो? 200 रुपए का ना। मम्मा सुनो ना, अभी मम्मा हो, अभी मम्मा, 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 ए मम्मा, मम्मा, मम्मा सुनो ना प्लीज, मम्मा, 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 पापा, पापा, मम्मा, पापा। अच्छा सुनो, आप मम्मा की बात सुनो, इधर देखो, आपके आईज कहाँ है? बताओ आइस का है, आइस आइस तोड़ दिया। हाँ धनवी आपकी आइस का है, आइस धनवी की आइस का है, बताओ ना प्लीज आइस का है आपका आइस। वेरी गुड। नोज 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 नोज, हाँ वेरी गुड। लिप्स लिप्स वेरी गुड। ईयर्स वेरी गुड। और टंग 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 टंग, ये तो हेड बताया था ना, टंग इधर देखो, टंग ये बताया था ना मम्मा पापा, ये टंग टंग टंग, हाँ हाँ ये टंग, वेरी गुड। और सॉरी बोलो, सबको सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी, ये क्या, सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी। वेलकम बैक टू माई चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइज आज मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत अभी थोड़ी क्या मतलब ठीक हो गई है, और ये वाले जो फ़ोन का कैमरा है ना, जो बहुत अच्छी लाइट होती है, नेचुरल लाइट में बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा जब अंधेरा होता है तो इतनी क्लियरिटी नहीं आती है, बट जब लाइट्स में बहुत अच्छे से काम करता है तो बहुत अच्छा इसकी क्लियरिटी आती है। और गाइज आज मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज पूरा डे, आज है सैटरडे, 4 तारीख है, फोन बज रहा है, पापा जी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो जी पापा जी, पापा जी ने फोन किया है चाय के लिए, पापा जी को चाहिए चाय, पापा जी ऊपर है। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं आपको गिफ्ट दे, लो रिटर्न आपका गिफ्ट, आपको रिटर्न एक्टिंग मम्मी करना, मम्मी देख रही है कैसे कर रहे थे, कर तो सही ऐसे ही खोलो, मैंने अपना गिफ्ट ऐसे खोला था ना तो आप भी अपना गिफ्ट ऐसे ही खोलो। रोना ठीक है, जैसे मैं रो रही हूँ। गिफ्ट गिफ्ट फोन, लंच लाए हो? लंच नहीं लाए, फोन लाए, फोन लाए आपके लिए। नहीं नहीं लंच नहीं है, कुछ और है। फिर क्या हो सकता है, परफ्यूम लाए हो? ज्यादा एक्टिंग मत कर, कितना पैकिंग है यार पहले ही लिखा हुआ है उस पे, लंच बॉक्स ही है यार, एक्टिंग। गंदा है गिफ्ट का भी, गंदा थोड़ा अलग कलर है कलर। नहीं
गिर जाओगे ठीक से बैठो बीच में बैठो बीच में बैठो गिर जाओगे ठीक से मजा आ रहा है आपके जूका आपके पुतले हाँ अच्छी मैं अरे मैं तो शर्मा नहीं अब उतरो बेटा हाँ मास्क भैया ऐसे कैसे भी ब्लॉग बना के डाल देते मेरा ये देखने कैसा हो रहा है ना तो कैमरे की क्वालिटी देखो कैमरे की खतरनाक है भाई साहब आई एम बेटी मास्क लगा के जाओगी क्यों बहुत दिनों बाद ऐसे हम लोग मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है स्टार्ट तो मैंने घर पे कर दिया था सो आज हम लोग निकल गए हैं टेलर के यहाँ ब्लाउज देने के लिए काम करने और क्या फंक्शन आने वाला है बहुत 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 बड़ा वाला फंक्शन सो उसकी तैयारियों में हम जुट गए हैं अब तक का आई थिंक सबसे स्पेशल फंक्शन स्पेशल क्यों ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है हुआ था ना शायद आगे कभी ऐसा मौका मिलेगा हाँ मौका क्यों नहीं मिलेगा यार भगवान करे ऐसा मौका मिले कि होगा सो ये बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है हम लोगों के लिए और इसकी तैयारी में हम लोग एकदम जुट गए हैं जो मेन जिसका फंक्शन है उसके कपड़े वपड़े हो गए हैं लिया गए हैं क्या बेटा कुछ भी और अभी हम जा रहे हैं टेलर के यहाँ और ड्राई क्लीन के लिए कोट वोट भी दिया जाए क्या पहनोगे आप कोट पहनोगे मेरे घर में फंक्शन है सो बस ये कैमरा कुछ ज्यादा ही रियल फेस दिखा दे रहा है मेरा तो रियल ब्यूटी यही है आपकी सो चलिए चलते हैं टेलर भैया अंकल के पास और ब्लाउज वगैरह स्टिच कराते हैं उसके बाद देखते हैं आज सैटरडे आज क्या क्या होता है सैटरडे तो पूरा इनका इतना बिजी होता है सारे काम इकट्ठे करके रखते हैं हम कि सैटरडे संडे ये करा लेना है इनसे सो अभी हमें मार्केट भी जाना है और भी शॉपिंग गाइस सब लोग बोलते हैं ना आप लोग कितना शॉपिंग कर रहे हो तो हम क्या करें इतने सारे फंक्शन हमारे घर आते रहते हैं तो हम क्या करें करना ही पड़ता है तो बस आप लोग शेयर करते हैं गाइस कल का ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी आगे मतलब कुछ ऐसे स्पेशल नहीं हुआ था जो मैं रिकॉर्ड करूँ आप सभी के साथ शेयर करूँ नॉर्मल चल रहा था सारी चीज़ें और नॉर्मल घर के वही काम घर की बहुत सारी चीज़ें तो वो सारी चीज़ें चल रही थी सो इसलिए मैंने आप सभी के साथ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बट आज रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो मैं आज बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके और ये ब्लॉग मैं कल ही लाइव कर दूँगी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बट अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और नहा के आई बट मेरे वॉशरूम में मेरा फेस वॉश ही नहीं मुझे मिल रहा था एंड गाइज आप लोग हमेशा मेरे मंगलसूत्र के बारे में पूछते थे तो मेरा मंगलसूत्र बहुत सिंपल है और बहुत ही प्यारा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी में से मेरी शादी हुई थी जो गले में डालते हैं तो मैंने ये पहन लिया पहले मैंने चेन पहनी हुई थी तो बहुत सारे लोग कहते कि दीदी आप अपने छोटे वाले मंगलसूत्र ही पहनो तो मैंने पहन लिया और गाइज अभी मैं बता रही थी मैं नहाने गई ना तो मेरे वॉशरूम में फेस वॉश ही नहीं था मेरा वो लेके चले गए थे मम्मी शायद अपने वॉशरूम में उनके वॉशरूम का खत्म हो गया होगा तो सो मैं अभी लेके आई हूँ और मैं जा रही हूँ थोड़ा फेस वॉश करूंगी थोड़ा ठीक से बनूंगी और नीचे जाऊंगी नीचे क्या हो रहा है मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ आप लोग हम लोग बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए बट फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने और कौन सा फेस वॉश यूज कर रही हूँ वो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहे आपको पता चल जाए सो गाइज मेरे पास है हनी मलाई फेस वॉश एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मम्मा अर्थ ने कवर किया है ट्रेडिशनल रिच इंग्रेडिएंट्स हनी एंड मलाई ये जेंटली क्लीन करता है डॉट को एंड फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई ड्राई सा नहीं लगता है ऑल्सो हनी एंड मलाई ने मेरी स्किन को स्मूथ लाइट ग्लोइंग बना दिया है एंड इसका जो टेक्सचर है वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया वो काफ़ी क्रीमी है हनी जो होता है ना वो हेल्प करता है प्योरीफाई करने में स्किन को एंड मलाई स्किन को स्मूदन करता है चलिए फेस वॉश तो हो गया एंड आफ्टर फेस वॉश मेरा चेहरा बहुत खिला के आ गया था क्योंकि गाइज ये हमारे पुराने लोगों की सदियों पुरानी जो रेसिपी होती है इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये वो है तो अब बात कर लेते हैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की तो इसमें है नेचुरल गुडनेस हनी एंड मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ममा अर्थ का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हनी एंड मलाई का यूज़ किया गया है तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिप होगा तो आप गलत सोच रहे हैं ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है
नॉन स्टिकी है, स्किन को हेल्दी ग्लो देता है विदाउट चिपचिप, और जो भी आपकी स्किन है ना डिहाइड्रेट हो जाती है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, ऑल्सो सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। मॉइस्चराइजर ये विंटर्स के लिए ना बेस्ट है। ये दोनों फेस वॉश कर लिया एंड मैंने लगा लिया अपना फेवरेट आजकल का मॉइस्चराइजर जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वो मॉइस्चराइजर। अब मैं लगा लूँगी बिंदी। अभी मुझे अपना रूम भी साफ करना है, सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने बनाया था आज ब्रेड एंड ऑमलेट, सो वो बना दिया था। और मतलब मैं क्या करती हूँ ना, एक साथ नहीं बनाती हूँ ब्रेड ऑमलेट, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बनाती हूँ, मतलब जैसे जैसे जो ब्रश करता जाता है जो वैसे बना बना के मैं देती जाती हूँ। एक बार बना के रखने से फिर ठंडा हो जाता है। सो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, पति देव सुबह सुबह नाश्ता करके निकल गए हैं इंटीरियर के यहाँ पे। हाँ आप लोग पूछ रहे थे ना इंटीरियर का काम कहाँ तक पहुँचा, तो अभी बस मतलब स्टार्ट ही होगा अभी। जैसे कि आपको पता है हमारे घर पे फंक्शन है, तो हम लोग ऐसा नहीं कराना चाह रहे हैं ना कि हम काम स्टार्ट कर दें और फिर बीच में रुकना पड़े क्योंकि गेस्ट आ जाएंगे। सो क्या फंक्शन है वो मैं आपको इसी ब्लॉग में आज बता दूँगी। फिलहाल चलते हैं नीचे। और गाइज आप ये प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करें। अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ये फेस वॉश और मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो NIKKU2023 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा ममार्थ की वेबसाइट पर। ममार्थ ने अपनी ऐप भी लॉन्च कर ली है। अब बात करते हैं ममार्थ के इनिशिएटिव की, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप ममार्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके ऑर्डर को ममार्थ एक ट्री से लिंक करते हैं जो कि प्लांट करते हैं आपके बिहाफ पे। सो है ना अमेजिंग डील। एंड ममार्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है मुझे ममार्थ की। एंड सेकेंड चीज़ ऑफलाइन प्रेजेंस, जब आप अपने घर के आसपास जाओगे तो आप देखोगे अब ममार्थ की आपको हर मतलब घर के आपके आसपास ममार्थ की स्टोर नजर आएगा। तो आपके कहाँ रहते हो और आपके घर के आसपास अगर ममार्थ का स्टोर है तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपके कहाँ पे है। मेरे घर के पास तो है, 2-3 स्टोर है मेरे घर के पास। सो चले चलते हैं नीचे आके और फिर मैं अपना रूम साफ करूंगी। सुबह सब कुछ साफ हो गया बट फिर ये पतिदेव गए हैं तो वो फैल गया है कुछ ना कुछ, वो धनवी ने फैला दिया है, धनवी नीचे है। चलिए धनवी से मिलते हैं और नीचे मैं दिखाती हूँ आज क्या काम हो रहा है। सो गाइस बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आपका इंटीरियर का काम कहाँ तक पहुँचा, क्या क्या हो रहा है आप बताओ, कोई अपडेट नहीं दे रहे हो। सो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को बताते हैं कि इंटीरियर का काम पहुँच मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे नीचे आप देखो ये वाइट वॉश हो रहा है, मतलब पुट्टी वगैरह जो बोलते हैं पार्किंग में वो चीज़ हो रहा है। ये चीज़ अभी इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज अभी फंक्शन है हमारे घर में आपको पता है, और फंक्शन नीचे ही होने वाला है। सो नीचे जो पार्किंग एरिया, तो हमने पहले सोचा कि पहले हमें पार्किंग एरिया करवाना है बिकॉज गेस्ट आएंगे और थोड़ा अच्छा लगता है कोई भी डेकोरेशन फिर करो ना तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हमने सोचा पहले पार्किंग एरिया का काम कराते हैं। और ऊपर का इंटीरियर का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रीज़न आपको मैं बता दूं क्योंकि फंक्शन है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तो अगर हमने इंटीरियर अभी स्टार्ट करा दिया तो फिर रहने की खाने पीने की बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऊपर नीचे ऐसे से करना पड़ जाएगा। तो हमने सोचा कि पहले फंक्शन निपट जाए और फंक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हम इंटीरियर का काम स्टार्ट कराएंगे ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे गेस्ट भी परेशान ना हो। चल चलो बैठे बैठे मम्मा आपका वीडियो बनाएगी, परेशान कर करी अब उस पे बैठो बाबा और आपका वीडियो बनाऊंगी। जल्दी जाओ जल्दी, देखिए पापा जी वीडियो बना खाती जाके फूट देने पड़ेंगे। हाँ मम्मा बना रही है, चलो मम्मा बना रही है। क्या हुआ पापा जी हाय। देखिए ए वी ए फोनवा के को कैमरा देखिए बबनी का दिखाते हैं, कितना सुंदर है ना। सब पापा जी मुंह में जितना छाई वाई कर सब लोग सो गाइज मैं आ गई थी नीचे से ऊपर क्योंकि मुझे बनाना था दोपहर का खाना। सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया हमने ऑमलेट बनाया था ब्रेड और वो सब ने नाश्ता कर लिया था, अब मुझे दोपहर का खाना बनाना है तो मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ। एंड गाइज आप लोग सब बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे इंटीरियर को लेके, तो यार जब हमने बोला है कि हमें कराना है इंटीरियर तो जाहिर सी बात है हम लोग कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, बट वही रीज़न है कि अभी नहीं करा रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट कराएंगे।
आएंगे जैसे ही फंक्शन निपट जाएगा, नेक्स्ट डे से हम लोग काम करवा लेंगे। बाकी सारी चीज़ें फाइनल हो गई है, कहाँ क्या लगवाना है, कहाँ कैसे करना है, सारी चीज़ें। सो यहाँ पे मैं साफ कर रही थी किचन। सो गाइज, एक बैड न्यूज़ भी है कि हमारी जो रवीना थी, उनकी मम्मी पापा सभी लोग गाँव चले गए हैं, तो काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। हमने न्यू मेड रखी है बट अभी उनको सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें समझाने में वो रह जा रहा है। तो यहाँ किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सो मैंने किचन को पहले अच्छे से क्लीन कर लिया, ताकि मतलब फिर खाना बनाने में ना अच्छा लगता है। अगर किचन पूरा फैला हो, गंदा गंदा हो, तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने में। और वैसे काम करते करते किचन तो फैल ही जाता है हमेशा, मेरे से तो बहुत ज़्यादा फैलता है। फिर मैं क्या करती हूँ ना, किचन में पहले करने से पहले सब कुछ साफ़ करती हूँ, फिर जब काम वाम कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ। सो अभी दोपहर का खाना बनाएंगे, अच्छी सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनानी है। अभी सब लोग नीचे हैं, बाकी सब लोग इधर उधर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह, दूध वगैरह आया था सुबह, वो सब भी ऐसे ही रखा हुआ था, सो मैंने वो और आया। और सैटरडे संडे वाले दिन काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना भी सोचो कि कम काम है कम काम है, बट काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाप रे, हम तो डर ही गए। ये क्या है?
हैं? कहाँ गए थे चश्मा उश्मा लगा के? कौन है वो इससे मिलने गए थे? विकास इधर इनको तो देखो, ये क्या हो गया भैया? ये कहाँ गए थे जरा पता लगाओ। I have some standard. Oof. You know the babu. Oof. अच्छा झुलनी क्या तुझे लगा मिला? झुलनी और जंगल का सिर्फ कौन वहाँ पे? कौन झुलनी? और झुलनी ना लिया एक। कहेंगे एक भाई पूरा बंट उनके चश्मा लगा के, और एक देखो वो अंदर वाला जो बीमल का बनियान पहनते हैं वो। अच्छा चश्मा उश्मा क्यों लगा रखे? ऐसे ही गए थे क्या उनके ऑफिस में? मेरा चश्मा कहें तो मैं भी लगा के खाना बनाऊं। एक घंटे के लिए वही मैं सोच रही थी कि एक घंटे के लिए आप बोलते तेल चला जाएगा। भाभी कितने रुपए का बुलाती हो? 200 रुपए का ना? ये? नहीं वो आप लाई थी 4000 का। 200 रुपए का था जो भैया ने खरीदा था वो ज्यादा था। खाना बना रही हूँ कि मेरे पूरा परिवार का लहर जाएगा। लहरा दे लहरा दे। बस गाइस मेरा यहाँ पीछे खाना बन रहा है, दोपहर का खाना है। दोपहर के बज रहे हैं 2, मैं लेट हो गई थोड़ा सा खाना बनाने में। और खाने नाश्ता बनाने के साथ साथ मस्ती मजाक भी ऐसे चलता रहता है हमारी पूरी फैमिली का। हम लोग मजे लेते रहते हैं। बाकी अभी बहुत सारे लोग इधर उधर हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और पतिदेव आ गया है इंटीरियर वाले, ये जहाँ पे हम लोग ओम लेन गए हुए थे, कुछ डिस्कशन था तो उसके लिए आज मैं नहीं गई। मेरा मन ठीक नहीं था तो मैं गई। यही देख के गई थी मैं सब। चलो कोई नहीं। सो गाइस एकदम धूमधाम से हो रही है तैयारी। खांसी हमारा ठीक है ना? क्यों मम्मी, मम्मी एक बार मेरे फोन की तरफ देखो, कितना सुंदर लग रहा है नेचुरल लाइट। लोग कहेंगे आप ज्यादा ही फोन का एकदम तारीफ किए जा रही है। फोन का रिव्यू शेयर कर रहे हैं। तो फाइनली तैयारी एकदम धूम धड़ाके से चल रही है मम्मी के अंडर में। मम्मी सब देखभाल कर रही है एकदम, कि जब सारे मेहमान आए तो कहें हाँ जी बहुत बढ़िया है सब कुछ। तो सो गाइज हमारे घर पे फंक्शन तो बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया, आइडिया लग ही गया है कि क्या फंक्शन है। बट स्टिल मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, बिकॉज ऐसे ही मज़ा आता है कि आप लोग थोड़े से आप लोगों को परेशान करें तो आप लोग फिर गुस्सा हो जाओ, फिर मैं आप लोग को मनाऊँ, तो मज़ा तो ऐसे आता है। तो अभी नीचे का हम लोग सब कुछ ये करा रहे हैं, पेंट वेंट, ताकि जब गेस्ट आएँ तो अच्छा नहीं लगता ना। काफ़ी टाइम से सब ऐसे ही था, नहीं करा पा रहे थे, बट धीरे धीरे करके हम लोग सोचते हैं कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए। तो ये नीचे का ही सब पेंट वेंट हो रहा है कि सब गेस्ट आए, और हम लोग यहाँ नीचे ही सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। पहले हमने बाहर सोचा था, बट हम सोचा नहीं घर में ही करेंगे, इसी बहाने घर के काम भी हो जाएंगे। सो हम यहीं पर सारी पार्टी अरेंज करेंगे। सो बस सब कुछ 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 दिन बचे हैं। गाइस मैं हूँ आराम पे और मेरी सासू माँ है काम पे। आजकल देखो मैं कितना अच्छा अच्छा वो बना ले रही हूँ। मैं हूँ आराम पे, मेरी सासू माँ है काम पे। और यहाँ हो रही है बदकही, ये देखिए मिसेस मिस्टीज मिस्टर। बोला ना एक ही बार बोलती हूँ, बार बार इंग्लिश नहीं बोलती मैं। तो गाइस कल के ब्लॉग को 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ था बेटा, उसको करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो रात को फिर हम मम्मी और मैंने मिलके बहुत सारा अच्छा अच्छा डिश सब बनाया था कल। मम्मी ने कल स्पेशल, हमारे घर में ना सैटरडे संडे में से किसी एक दिन मम्मी स्पेशल खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, हमेशा का है उनका ये कुछ स्पेशल बनाती हैं वो। तो कल मम्मी ने शाम को बनाया था और दोपहर में मैंने बनाया था। शाम को मम्मी ने एक स्पेशल सी कढ़ी और मतलब पकौड़े कुछ अच्छे से बनाए थे, बहुत टेस्टी था। नाम नहीं पता बट बहुत टेस्टी था। खा पी के सो गए थे। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और गाइज इंतज़ार कीजिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। ऑल्सो इंटीरियर काम भी बहुत जल्दी होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।